सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद की 37वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक को हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था, जिसमें उद्दालक ने श्वेत केतु को उपदेश दिया था तत्त्वमसि। विभिन्न उदाहरणों को देते हुए परमात्मा के स्वरूप को बताया गया कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, परमात्मा को इस तरह समझना चाहिए, परमात्मा हमारा आधार है, परमात्मा सबसे मुख्य है, परमात्मा के कारण से हमारा जीवन चल रहा है इत्यादि। तो जिसने इसको जान लिया है वो ही ठीक तरह से सब चीज़ों को जान पाता है। तो मूल प्रश्न तो यही था कि जिसके सुन लेने पर सब ना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, जिसके मनन कर लेने पर मनन ना किया हुआ भी मनन किया हुआ हो जाता है, और जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, वो क्या चीज़ है, वो प्रश्न क्या है। तो उस सब का विस्तार करते हुए इन्होंने जो जो बताया उसकी मूल बात यह है कि वो परमात्मा को संकेतित करना चाहते हैं, ब्रह्म को संकेतित करना चाहते हैं। और ये भाव हमारे मन में अगर आ जाता है इस कार्य के पीछे परमात्मा है, इसका आधार परमात्मा है, तो भले ही हमने कुछ चीजों को देखा है उससे सब में घट जाएगा। जिनका पीछे आधार परमात्मा को हमने नहीं भी सोचा है तो भी हो जाए, हम सबका है, बस एक कुछ को किया, हाँ सबका है, सब जगह वो लग जाएगा। इस तरह से करने पे जो जिस पर भी विचारा भी नहीं है वो भी विचारा हुआ ही जैसा, कोई उसको पूछे भाई इसका आधार कौन है, इसका भी आधार परमात्मा है, इसका निमित्त कौन है, इसका निमित्त भी परमात्मा है, ये किस में स्थित है, ये भी परमात्मा में स्थित है। भले ही ना सुना हो, भले ही ना विचारा हो, भले ही ना जाना हो, लेकिन सब कुछ का उत्तर तो पता लग गया उसको, ये इसका सार हम समझ सकते हैं। और उसको कहा तू भी ऐसा ही है, तेरे अंदर भी वही है, तेरा भी आधार वही है, तू भी उसी में आश्रित है इत्यादि बात कह के औरों से तू भिन्न नहीं है, अपने लिए भी ऐसा ही सोचेंगे, दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचेंगे। तो ये छठा प्रपाठक समाप्त हुआ था, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम जी आचार्य, पृष्ठ संख्या 556। 556 हाँ, दसवां खंड, दसवां खंड छठे प्रपाठक का दसवां खंड, हाँ। पहला अनुवाक प्रवाक दूसरी पंक्ति में मुख्य रूप से मेरा प्रश्न है आचार्य। हाँ, समुद्रात समुद्रम अपियंती, जिस प्रकार समुद्र से आकर समुद्र में ही मिल जाते हैं नदियां, तब नहीं जान पाती हैं कि हम इस नदी के हैं, हम इस नदी वाले हैं। तो उसी प्रकार अगले श्लोक उसी का दृष्टांत लेकर दार्ष्टांत में समझाना चाह रहे उपनिषद के ऋषि कि जैसे सत से आते हैं प्रजा और तब नहीं जान पाते कि हम सत से ही आए, तो ये कहीं अद्वैत का झलक तो नहीं आ रहा है? अद्वैत की झलक तो इसमें नहीं लगती। तो जैसे यहाँ पर समुद्र में है जी, तो ता वो नदियाँ नहीं जानती हैं कि हम कहाँ से आए हैं जी, यानी नदियों का जल जो कि अब समुद्र में पहुँच गया है। तो ये जो दृष्टांत है नदी और समुद्र वाला, इसमें तो क्या कहा जा रहा है कि अनेक नदियाँ समुद्र में पहुँच गई हैं, और अब समुद्र में जो जल है नदियों का, वो उनको ये नहीं पता है कि हम कहाँ से आए हैं। कहाँ से मतलब किस नदी से आए हैं, हम किस नदी के जल हैं। तो जब अनेकों से एक हो गया तब उनको ये नहीं पता लग रहा है हम अलग अलग कहाँ से थे, ये वहाँ पर बात थी।
और दृष्टांत के अंदर क्या है कि कहां से हम आए हैं, सता आगम्य न विदु, तो सत यानी ब्रह्म है वहां से हम आए हुए नहीं जानते हैं, तो सत तो एक ही है और उससे हम आए हुए ये नहीं जानते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं। तो दोनों में आना और जाना कहां से आए हैं ये मुख्य बात बतानी नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्नता है। नदी और समुद्र के दृष्टांत में अनेकों से एक हुआ है तब कहा जा रहा है, और इधर दृष्टांत में एक सत ब्रह्म से ये अलग अलग जीव हो गए हैं, सिंह हैं, व्याघ्र हैं आदि, ये नहीं जान पा रहे हैं कि कहां से। यहां एक से अनेक हुए हैं तब नहीं जान पा रहे हैं, दृष्टांत में है अनेकों से एक हुए थे, तो कहां से आ रहे हैं कहां से जा रहे हैं ये अद्वैत वाली बात यहां पर मुख्यता से नहीं है, उसको मुख्य ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि दृष्टांत ये बताने के लिए नहीं है कि हम परमात्मा से आए हैं, इसका हमें पता नहीं है। ये अज्ञान ही है कि परमात्मा से आए हैं, परमात्मा से आए हैं यानी उसके कारण से हम आए हैं, उसके निमित्त से आए हैं, उसके कारण से आए हैं, इतना मात्र है कि लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि हम उससे आए हैं, उसके कारण से हमारा ये जीवन चल रहा है, उसके कारण से ये हम जन्म ले रहे हैं। दूसरा, अद्वैत परक इसका व्याख्या यूं नहीं कर सकते कि अद्वैत में जब अनेकों से एक हो जाता है ब्रह्म रूप जो मानते हैं वो, उस समय में जब वो इस एकत्व की स्थिति में होते हैं तो वो तो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, वो दोष नहीं माना जाता है। यहां जो कथन किया गया है कि वो नदियां समुद्र में आ गई, वो उनको यही नहीं पता है कि हम कौन सी नदी के जल हैं, ये दोष के रूप में कथन है। तो इसको, ये जो दृष्टांत है इसके अनुसार अद्वैतवादी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन यहां उपनिषद में अद्वैत परक अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। यहां दृष्टांत अलग चीज है, दृष्टांत और दृष्टांत दोनों में केवल ये समानता है कि वो जानते नहीं है कि हमारा आधार कौन है, किसके कारण से हम ये सब चल पा रहे हैं, इतना ही है। जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, भिन्न भिन्न जगह आते जाते रहते हैं, तो इससे अद्वैत सिद्ध नहीं होता है। धन्यवाद आचार्य। और कोई? ठीक है, तो आगे चलते हैं। सातवां प्रपाठक, तो सातवें प्रपाठक का पहला खंड है, यहां से एक नई कथा चल रही है, नए ढंग से फिर कुछ बात को बताना चाह रहे हैं। उपनिषद एक ही है, उसमें अलग अलग प्रपाठकों में अलग अलग बातें, और खंड में भी कुछ कुछ खंडों में एक कथा चल के फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो यहां जो आप प्रारंभ कर रहे हैं, एक प्रसिद्ध कथा कही जाती है नारद और सनत कुमार की। तो सनत कुमार एक ब्रह्मवेत्ता, विद्वान, योगी, इस तरह से यहां दर्शाए गए हैं, और नारद कम आयु वाले और जिनको आत्मा का ज्ञान अभी नहीं हुआ है, दुखों से त्रस्त होते रहते हैं, उनके रूप में यहां पर प्रस्तुति है। तो ओम अधि ही भगव इति ह उपससाद सनत कुमारम नारदः। नारद सनत कुमार के पास आकर आ गया और क्या बोला कि भगवान मेरे को पढ़ाओ, मेरे को सिखाओ। पास में आ गया, पास में आके बैठा, जी मेरे को कुछ शिक्षा दो, मेरे को कुछ उपदेश दो। बहुत लोग आके बैठ जाते हैं कभी भी कहीं भी, किसी को विद्वान को देख के, साधु संत को देख के, जी मेरे को कोई उपदेश दीजिए, मेरे को कुछ बताइए। बड़े बुजुर्गों के पास छोटे बच्चे चले जाते हैं, मेरे को कुछ बताइए जीवन के लिए। तो तम हो वाच, ओ वाच, तो सनत कुमार ने नारद को कहा, यत वेत्थ तेनमा उपसीद, जिसको तुम जानते हो उसके साथ मेरे पास आओ, यानी जो तुमने जाना है वो मेरे को बताओ। केवल ये कह दिया कि आप मेरे को कुछ सिखाओ, अब मैं क्या सिखाऊंगा, आपको क्या आवश्यक है, कुछ पता नहीं लगेगा ना। पहले ये बताओ आपने जाना कितना है, पहले ये बताओ कि आपने जाना कितना है, तो फिर आपको मैं बताऊंगा। तो ततस्तः ऊर्ध्वम वक्ष्यामि इति स ह उवाच, उसके बाद में फिर तुम्हारे को मैं बताऊंगा, फिर उसको कहने लगा।
ठीक है, पूछा जा सकता है ना कि भाई आप क्या सीख करके आए हो, क्या पढ़ करके आए हो। एक बार एक घटना घटी, तो एक सन्यासी योगी थे, उनसे ब्रह्मचारी ने पूछा, साधक ने पूछा कि जी आप समाधि के बारे में कुछ बताइए। संप्रज्ञात समाधि के लिए उनको बड़ी उत्सुकता थी कि उसके भेद उपभेद हैं, ये कुछ पकड़ में नहीं आ रहे हैं अभी, क्या है ये, इस समाधि के बारे में कुछ बताइए। तो वो सन्यासी थे, वो बोले कि अच्छा पहले आप मेरे को ध्यान के बारे में बता दो, फिर मैं आपको समाधि के बारे में बताऊंगा, क्योंकि समाधि से पहले वाला अंग ध्यान है योग में। तो वो बोले अच्छा ठीक है, आप ध्यान के बारे में बता दो पहले आप ध्यान को बता दो, फिर बाद में समाधि को बता देना। तो बोले कि अच्छा आप पहले मेरे को धारणा के बारे में बता दो, फिर मैं ध्यान और समाधि के बारे में बताऊंगा। अब वो यूं तो जानते ही थे, योग दर्शन उन्होंने भी पढ़ रखा था, दर्शनाचार्य थे, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं बताऊंगा फिर वहीं उलझ जाएंगे और आगे समाधि की बात छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा धारणा को भी आप ही बता दीजिए यही गुरुकुल की बात है। इसके ऊपर कक्षा हो रही थी, इसमें दीर्घ कक्ष में स्वामी जी आए हुए थे, तो एक दर्शनाचार्य थे, उन्होंने ये बातें रखी, तो पूछते गए धारणा। तो बोले अच्छा ठीक है, आप धारणा के बारे में पूछ रहे हो तो आप पहले प्रत्याहार के बारे में बता दो चलती गई वास्तविक घटना है, चलती गई और प्रत्याहार से पहले प्राणायाम आ गया और प्राणायाम के यम नियम आ गया। तो बोले जी आप ही बता दो। उनका कि कहाँ इनसे उलझेंगे, अब मैं कुछ बताऊंगा फिर वो कहेंगे कि नहीं ये ऐसा है, तो वहीं अटक के रह जाएंगे, तो चलो ठीक है बताने दो। तो वहीं शुरुआत कहां से हो गई, यम नियम से हो गई शुरुआत। पहले यम नियम को ठीक तरह समझें तो आगे 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 है। अर्थात बताने वाले को ये पता तो होना चाहिए कि सामने वाले को क्या आता है, कितना आता है, तब वो आगे बताएगा। तो कहा कि अच्छा आप बताओ पहले क्या आप पढ़ के क्या आए हो। स्वामी दयानंद जी भी जब विरजानंद जी के पास गए थे तो ऐसी ही तो घटना हुई थी, वो भी तो पहले ही पूछा भाई क्या क्या पढ़ करके आए हो, तो ये पढ़ के आए हो अनार्सी ग्रंथों को। तो पूछा उनको, उसको मतलब नहीं था, बोले पहले इसको फेंक करके आओ, कचरे को फेंक करके आओ, पहले थोड़ा साफ होकर के आओ फिर बताऊंगा। वो पुस्तकें फिकवा दी तो वो उनसे संबंधित पढ़ा हुआ ज्ञान दिमाग से तो नहीं हटा होगा ना, दिमाग में तो फिर भी था, पढ़ा था वो तो दिमाग में तो हो गई है, लेकिन नए सिरे से पढ़ाना है तो पढ़ते पढ़ते वो फिर उन पुस्तकों को उठा उठा करके देखने लगेगा, यहां तो ये लिखा है, यहां तो ये लिखा है, ये यहां तो ऐसा है। तो उसको एक तरफ रखो और फेंक करके आओ, पहले एक सांकेतिक रूप में था। तो इनको भी पूछा आप क्या पढ़ करके आए हो बताओ पहले, उसके आगे फिर मैं बताऊंगा। तो कहने लगे, नारद कहने लगे ऋग्वेदम भगवो अध्ययमी, भगवान मैं ऋग्वेद पढ़ा हुआ हूं, ऋग्वेद पढ़ता हूं, यानी अध्ययमी मतलब मैं पढ़ चुका हूं, बात यह है पढ़ा है मैंने ऋग्वेद, पढ़ा है मैंने यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम, तो यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद पढ़े मैंने, अब क्या बचा। अब क्या बचा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ठीक है, और चारों वेद पढ़ लिए तो अब क्या बचा। लेकिन वो कुछ और भी बोल रहा है, उसका क्या निहितार्थ होगा वो बताना अभी आगे। तो चतुर्थम चार हो गए, कहा इतिहास पुराणम, इतिहास और पुराणम पंचमम, इतिहास और पुराणों को भी पढ़ा है मैंने, और वेदानाम वेदम, वेदों के भी वेद को पढ़ा है मैंने, वेदों का भी वेद क्या है, वेदों का भी वेद, तो मतलब वेदों का भी जो वेद हो, जो प्राणों का भी प्राण हो, मतलब वेदों से भी बढ़कर के कोई चीज हो गई,
अभी तक तो सुनी नहीं, वो भी पढ़ा हुआ था नारद जी ने वेदों के भी वेद को। पितृम, पितरों को, पितरों वाली विद्या को, कि पितरों की सेवा कैसे की जाती है, सेवा शुश्रूषा कैसे की जाती है, परिचर्या कैसे की जाती है, देखभाल कैसे की जाती है, उसको भी पढ़ा हुआ है। राशिम, राशि को यानी समूह को, जोड़ को, गणित विद्या को भी पढ़ा है। दैवम, देव विद्या को भी पढ़ा है। देव विद्या मतलब निरुक्त को कहते हैं, क्योंकि निरुक्त में देवताओं का काफी वर्णन आता है अंत में, पहले भी आता रहता है बीच बीच में, लेकिन देवताओं का काफी वर्णन है, लोकों का वर्णन है, उनके देवताओं का वर्णन है। निधिम, तो निधि मतलब तो धन होता है, तो अर्थशास्त्र को भी पढ़ा है मैंने। वाको वाक्यम, तर्कशास्त्र को भी पढ़ा है मैंने। वाको वाक्यम मतलब इसमें वाक्य युद्ध होता है, तो इधर वाक उधर वाक, जैसे दंडा दंडी केशा केशी होता है, दोनों डंडे से लड़ रहे हैं, तो ऐसे न्याय के अंदर तर्कशास्त्र में दोनों वाक्य बोलते हैं, वो तर्क रखता है, वो रखता है, वो प्रमाण रखता है, ये रखता है, ये सब चलता है वाको वाक्यम। एकायनम, तो एक ही चीज है जहां पर निश्चित है कि ऐसा ही है, और नीति शास्त्र, यहां यही करना चाहिए, यहां यही करना चाहिए, ये जो बातें एकायनम। देव विद्याम, जिसमें देवों के बारे में, अच्छा अच्छा ठीक है, दैवम अलग हो गया, ये देव विद्या जो है ये निरुक्त है, क्योंकि देवताओं के बारे में, पीछे जो दैवम था उसका ये अर्थ नहीं, दैवम का मतलब है जो दैवीय विपत्तियां आती हैं उनसे संबंधित, देवों से जो दैवी स्थितियां बनती हैं उसमें, दैवी स्थिति का मतलब है यहां पर अचानक कोई अतिवृष्टि हो गई, उल्कापात हो गया, भूकंप आ गया, ये जो ऐसी को देव उत्पात होता है, जहां अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको यहां पर दैवम शब्द से कहा है। निरुक्त है ये देव विद्या। फिर आगे कहा ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या को भी मैंने पढ़ लिया। भूत विद्याम, भूतों की यानी तो पृथ्वी आदि जो भूत हैं इनकी विद्या को भी पढ़ लिया, या प्राणियों की विद्या भी पढ़ ली है मैंने। क्षत्र विद्याम, क्षत्रियों की विद्या भी पढ़ ली है। नक्षत्र विद्या को भी जानता हूं मैं। और सर्प देवजन विद्याम, सर्पों की, सरीसृपों की विद्या को, उनसे बचना, औषधि आदि वो, और देवजनों की, श्रेष्ठ जनों की विद्या को भी, और देवों की विद्याएं होती हैं, जैसे कि देव अलग अलग कलाओं में कुशल होते हैं, जैसे गाना है, नाचना है, चित्रकला है, इस तरह की जो विद्याएं हैं विद्वानों की, विशेष कलाएं हैं, उसको भी मैंने सीख लिया है। तो एतद भगवो अध्येमी, भगवान मैंने ये पढ़ा है, क्या बचा? सभी चीजें आ गई, वैसे तो चारों ही वेद आ गए थे। तो पहली बात, यहां जो चारों वेद के पढ़ने की बात कही है वो अक्षर ज्ञान की है, कि चारों वेदों को स्मरण किया है शब्दों से, मन उनको पूरा स्मरण किया है, वो भी अध्ययन ही कहलाता है, वो वेदाध्ययन कहलाता है, आज भी वेदाध्ययन ही बोलते हैं उसको। ऋग्वेद को जो कंठस्थ कर रहे हैं, यजुर्वेद को, वो कहते हैं मैं वेदाध्ययन कर रहा हूं, अध्ययन नाम से वो कहा जाता है, प्रसिद्ध है, तो वो उसने कंठस्थ किया है, बस उतना ही अर्थ लेना है, नहीं तो उसके आगे ये सारी सारी विद्या कोई मतलब नहीं है। उसने पढ़ा है, सीखा है, उनको कैसे बोला जाता है, शब्द से संबंधित जो है वो उसने किया है, एक एक शब्द को कैसे कैसे बोलते हैं ये किया। दूसरा वेदानाम वेदम जो है, तो वेदों को भी जानने के जो साधन हैं, वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त को हटा दीजिए, वहां देव विद्या आगे लिख दिया, या और जो आ चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो सारा है व्याकरण आदि जो कि उसको समझने के लिए आवश्यक है, वो भी मैंने पढ़ा है, उन शास्त्रों को, भाषा शास्त्र को, व्याकरण आदि को भी मैंने पढ़ा है। ये वेदानाम वेद का मतलब है, वेदों का भी वेद है, वो अर्थ नहीं है यहां पर कि जो वेदों से भी बढ़कर के कोई चीज है उसके लिए, ऐसा तात्पर्य नहीं। और इसको दूसरे ढंग से कहते हैं कि जो ज्ञान को जनाने वाला है, ज्ञान को देने वाला है, ऐसी विद्या, ऐसी विद्या जो सब विद्याओं में काम आती है, जैसे कि गणित विद्या विज्ञान की सब जगह काम में आएगी, जैसे कि न्याय शास्त्र वो सब जगह काम में आएगा, ऐसे ही व्याकरण, भाषा, और जितने भी शास्त्र हैं ये संस्कृत में है, उस समय के दृष्टि से देखें और सब संस्कृत में थे, तो उन सब को जानने में जो सहायक है वो कौन है? संस्कृत भाषा है, व्याकरण है उसका, वो वेदानाम वेद के अंतर्गत है, वो भी मैंने जान लिया।
तो अब सनत कुमार जी क्या कह सकते थे? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अभी नारद जी ही और कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी वो बोले जी मेरे को पढ़ाओ, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसी क्या बात रह गई कि आप पढ़ने के लिए आए हैं, एक प्रश्न उठेगा। वो भी बताएगा कि आप, मैंने बोल तो दिया ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पर आखिर आए क्यों हो फिर यहां पर, ये सब पढ़ लिया है तो नारद जी आगे बोलते हैं, सोहम भगवो मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। हे भगवान, मैं ये सब जान के भी मैं मंत्रविद हूं केवल, आत्मविद नहीं हूं। मंत्रों को, ये शब्दों को, इनको मैं जानता हूं, ये जो मंत्र बताए गए हैं वेदों में हैं और सूत्र हैं श्लोक हैं जो भी हैं, मैं केवल इनको जानता हूं, आत्मविद नहीं हूं, मैंने आत्मा को नहीं जाना है। ये कथा बहुत बोली जाती है आध्यात्मिक क्षेत्रों में, ये कथा बहुत बोली जाती है कि केवल मंत्र को जानने से कुछ नहीं होने वाला है, आत्मविद होना जरूरी है। तो तम ही एवमे भगवत दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविद। लोकम लिखा है, श कर लीजिए शोकम, तो आप जैसों से ही मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जान लेता है वो शोक से तर जाता है, उसको दुख नहीं होता है, ये प्रसिद्ध वचन कहा जाता है। तो सोम भगवत शोचामी, मेरे भगवान मेरे को तो दुख हो जाता है, मैं दुखी होता हूं। तो तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति, भगवान मेरे को शोक से परे कर दो, मेरे को वो बता दो जिससे मेरा शोक दूर हो जाए, मेरे को वो आत्मा का ज्ञान बता दो। इतना उसको पता था कि तरति शोकम आत्मवित, आत्मा को जानने वाला दुखों से तर जाता है, उसको दुख नहीं होता है, मेरे को तो दुख से दूर होना है, मूल बात तो ये है मेरी, ऐसा कुछ बता दो। इतना सब पढ़ के भी मेरे दुख दूर नहीं हुए हैं। सोहम भगवान शोचामी तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति, तो तम होवाच यद्वै किंचित अध्यगिष्ठा नामेव एतत्। उसको कहा सनत कुमार जी ने कि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक वो केवल नाम ही था, नाम एव एतत्, ये सारा का सारा नाम नाम है। नाम का मतलब यहां पर लेंगे शब्द मात्र है, भाषा के अंदर नाम रूप और धातु रूप होते हैं, नाम मतलब केवल संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, शब्द रूप कह लीजिए, वो प्रतीक है, धातुएं भी आ गई उसमें। मैंने यहां तुमने केवल ये शब्दों को पढ़ाया अभी। अच्छा, पीछे जो ये बात आती है इसको कई लोग अन्यथा लेते हुए भी करते हैं कि देखो इन उपनिषदों ने वेदों को भी निकृष्ट कर दिया, ये आत्मविद्या ऐसी है जो वेद भी, वेद में भी नहीं है, ये वो विद्या है जो वेदों में भी नहीं है, क्योंकि जो वेदों को पढ़ चुका है वो भी दुखी हो रहा है, तो उसको ये अध्यात्म विद्या है। इससे वो ये प्रस्तुत करते हैं कि ये जो वेद हैं इसमें अध्यात्म विद्या नहीं है, तभी तो ये कह रहे हैं आप, क्या वेद का वो मतलब नहीं है, शब्द शास्त्र जिसने ये केवल पढ़ा है याद किया है उतना ही मतलब है यहां पर। जब उपनिषद सारे ओम और ये सारी चीजें कहां से निकली हैं, तो वेदों से निकली हैं, वो पीछे आ ही चुका है, वेदों का सार भू भू अस्व, ये मंत्र हो गए भू भू अस्व हो गए, उसका ओम है, ये सारी की सारी चीजें तो वेद के आधार पर तो ये सारे बने हुए हैं, वेद की ही बातों को बोल रहे हैं। तो वेद भी कहता है जैसे कि यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो उसको नहीं जानता यानी परमात्मा को नहीं जानता है, ऋचा उसका क्या करेगी, वेद के मंत्र क्या करेंगे उसके। तो ये वेद की निंदा नहीं है, ये कोई नया बात नहीं आ गई है कि आगे चल करके ब्राह्मण ग्रंथों ने और उपनिषदों ने वेद की निंदा शुरू कर दी इसलिए वेद पीछे छूट गए, वेद को मान करके ही सारी चर्चा है। दूसरा, इसको सारी को जो चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई इसको प्राय ले लेते हैं कि भाई शब्द शास्त्र और व्याकरण शास्त्र ये सब निम्न कोटि का है, उससे बढ़कर के क्या है, आत्मविद्या है, ऐसा करके इसकी प्रस्तुति में प्राय ये भाव रहता है, उसको हे कोटि में करते हैं। या तो जो जिन्होंने व्याकरण आदि पढ़ा है मात्र वो ही है, शब्द शास्त्र से परिचित है, उनको हे कोटि में ले लेते हैं, और जो अध्यात्म विद्या वाले हैं वो अपने को बड़ा समझने लग जाते हैं। अब जिसने दोनों पढ़े हैं वहां तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने व्याकरण शब्द शास्त्र नहीं पढ़ा और अध्यात्म का कुछ जाना है, वो व्याकरण वाले और इन सब से अपने को ऊंचा समझने लग जाते हैं कि जैसे आत्मविद्या सबसे बड़ी है। अब उस आत्मविद्या को भी उन्होंने पढ़ा क्या है, क्या पढ़ा है उसमें, शब्दों को ही तो पढ़ा है, वो भी तो नाम ही था, वो भी तो नाम ही है अभी,
हाँ व्यवहार में आ गया, आगे आ गया, आगे तो अभी एक एक करके बताएंगे सारी प्रक्रिया को। और यहां देखो सब विद्याओं में एक ब्रह्म विद्या भी लिखी हुई है, जो लिखा है देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम, ब्रह्म विद्या भी है, उसका उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ब्रह्म विद्या को बताने वाले हैं। उसका उल्लेख कर देंगे तो वो भी उसी कोटि में चले जाएंगे जिस कोटि में दूसरों को रख रहे हैं। तो इसको पढ़ाते बोलते हुए ब्रह्म विद्या को बोलते हुए मैंने नहीं सुना, शायद ही कोई बोलता हो। तो ब्रह्म विद्या भी आ गई है यहाँ पर, उस ब्रह्म विद्या को जानने के बाद भी इसको दुख हो रहा है, तो क्या हम ये माने कि ब्रह्म विद्या व्यर्थ है? अब उसके लिए कहेंगे नहीं, ब्रह्म के संबंधित केवल शब्द शब्द उन्होंने जाने, ठीक है। ऐसे ही और जगह भी लगेगा, सब जगह लगेगा। जितनी भी ये विद्याएं हैं वो कुछ ना कुछ हमारे दुखों को दूर करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां उनकी आवश्यकता है, उनकी सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। लेकिन उन सब को भी केवल शब्द मात्र से जब करेंगे तो दिक्कत होती है, तब उतने मात्र से नहीं हो पाता है, क्योंकि केवल शब्द से तो क्या होने वाला है, उससे तो थोड़ा ही, जितना होता है उतना ही होता है। तो कहा कि आपने जो पढ़ा है, सनत कुमार ने नारद को कहा कि ये तो सारा का सारा नाम है, नाम है मतलब शब्द मात्र है ये तो, और कुछ नहीं है। फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं विस्तार से, नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणश चतुर्थ। बोले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण ये नाम ही तो है, आपने जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखना। जैसे कि लोग आजकल भी करते हैं, इन वेदों को उठा लिया और वेदों को उठा करके मंत्र पाठ मात्र करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब जब की तरह से कोई श्लोकों को ले लिया उनको बोलते रहते हैं, अर्थ पूछो तो कुछ नहीं पता है, बस बोलते रहते हैं और उसी से ही बहुत कुछ होना मानते हैं, इसी से सब कुछ हो जाएगा। इन मंत्रों की, इन शब्दों की ही ऐसी शक्ति है कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, अब उसी को बोलते रहते हैं। अब उसको बोलेंगे तो केवल एकाग्रता इत्यादि जो कुछ होना है या उनकी जैसी भावना है उसके अनुसार कुछ होना है, वही तो होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। फिर को लोग उसके साथ में तरंगों को ले आते हैं, वाइब्रेशंस को, कंपन को ले आते हैं, इनके अपने कंपन हैं, विशेष कंपन है, हर शब्द के, हर वर्ण के शब्द समायोजन ऐसा है कि उनका विशेष कंपन है और उस विशेष कंपन से मस्तिष्क ऐसा विकसित हो जाता है और ये लाभ होता है, वो लाभ होता है, और केवल नाम के ही बहुत ज्यादा लाभ बता देते हैं, बहुत ज्यादा आजकल चलता है। तो कह रहे हैं नाम वा ऋग्वेद हो यजुर्वेद सामवेद अथर्वणश चतुर्थः, और आगे भी इतिहास पुराण पंचमा, इतिहास पुराण भी पांचवा भी। इतिहास पुराण का मतलब यहां पर महर्षि ने जैसा लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो हैं उनको लेना चाहिए, जो सच्चे सत्य शास्त्र हैं, जहां गप्प है, उल्टी सीधी बातें हैं, असंभव बातें हैं, वो इस कोटि के अंतर्गत नहीं लिए जाएंगे, जिसमें गलत बातें हैं। हाँ, कहीं प्रतीकात्मक रूप से कुछ बातें लिखी जाती हैं समझाने के लिए, उदाहरण के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण, वहां उनका जो मुख्य तात्पर्य है उतना ठीक है तो वो स्वीकार, वो ठीक है, उतने ग्रंथ में है, क्योंकि ये चीजें बहुत सी उपनिषदों में भी मिलते हैं और भी ग्रंथों में मिल जाती हैं। तो वहां केवल भाषा की दृष्टि से अतिशयोक्ति करके या कुछ वो बताया जाता है, तात्पर्य कुछ उतना ठीक होता है थोड़ा जो होता है, वो वहां वो स्वीकार है, लेकिन बिल्कुल ही असंभव बातें जहां लिखी हो वो यहां स्वीकारी नहीं है, वो वैदिक ग्रंथों में स्वीकृत नहीं होती है। वेदानाम वेद पितृयो राशिर दैवो विधेर वाको वाक्यम एकायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या देवजन विद्या, सब कुछ को वापस गिना दिया उन्हीं को ही। नाम एव एतत, ये सब कुछ नाम है, नाम उपास्व इति, ये सब कुछ नाम ही नाम है, लेकिन फिर साथ में उपदेश दिया नाम उपास्व, नाम की उपासना कर, निषेध नहीं किया कि छोड़ दो इसको, नाम की तो उपासना कर, करनी चाहिए, ये भी करने योग्य है, त्याज्य नहीं है, हे कोटि में नहीं लेना है उसको, निंदित नहीं करना है उसको, वो की जा सकती है। अभी सारी चीजें गिनाई, देखो उन्होंने ये क्यों गिनाई सारी की सारी, पक्का करने के लिए। एक होता है हमने ये तो 19 विद्याएं बता रखी हैं इन्होंने, 19 नाम गिना रखे, तो कोई कहे कि भाई ये तो नाम ही नाम है, तो सामने वाला कई बार बाहुल्य से भी तो कथन कर देता है, यानी इसमें से अधिकांश नाम ही नाम है, अधिकांश नाम ही नाम है, इसलिए इनको कह दिए तो नाम ही नाम है केवल, वास्तविक जो तात्पर्य है जिससे आत्मा को शांति मिलती है, दुख शोक रहित तो होता है, वो नहीं है, तो बाहुल्य से कोई कह सकता है। सबको गिना दिया है वापस, ये सारी की सारी,
ये केवल नाम है, इसमें ब्रह्म विद्या भी फिर से आ गया। अगर ये दोबारे नहीं गिनाते, सामान्य रूप से जब हम कथन कह देते हैं तो वो सामान्य ही लिया जाता है, उसमें एक दो जगह नहीं भी घटता है, कोई आपत्ति आती है तो कहते हैं मैंने सामान्य रूप से कहा था, प्रधानता से ये सारे व्यर्थ हैं, कोई कोई है तो ठीक है। और उसने सबको गिना गिना करके फिर से बोला है ये सब नाम ही नाम है, लेकिन साथ में उपदेश भी दिया, नाम उपास्व इति, नाम की उपासना कर, तुमने जो अब तक किया है वो ठीक किया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको ऐसा नहीं समझ लेना कि इसको पढ़ने के बाद भी मेरा शोक तो विद्यमान ही है इसलिए ये व्यर्थ है, क्योंकि शोक से तो दूर होना है, ऐसा मत समझ लेना। इसलिए कहा नाम उपास्व, नाम की उपासना कर, तू पढ़ इसको, पढ़ाए तूने, रख इसको अभी और रख, तो नाम उपास्व। और बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए उपदेश हो गया कि इसको पढ़ना चाहिए, इनको शास्त्रों को, भाषा को, नाम को पढ़ना चाहिए। आगे कहा पांचवा प्रवाक, सयो नाम ब्रह्म इति उपास्ते, जो नाम को ही सबसे बड़ा समझ करके उपासना करता है, ब्रह्म यानी बड़ा, यानी उसी को ही परमात्मा मान लेता है, वास्तव में परमात्मा नहीं लेकिन जैसे यही सब कुछ है, जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा होता है, सब कुछ होता है, हम कहते हैं कि ये तो सब कुछ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, हमारा सब कुछ है, ये जो हम कथन करते हैं, तो बोले जो नाम को ही सब कुछ मान करके उपासना करता है, ऐसा पढ़ते समय होता है, जो लगता है कि यही सब कुछ है, अष्टाध्यायी सब कुछ है, प्रथमावृत्ति सब कुछ है, महाभाष्य सब कुछ है, निरुक्त सब कुछ है, बस ये आ गया तो सब कुछ आ गया, उसी को सबसे मुख्य मान करके पढ़ा जाता है। और जिसने उसको मुख्य मान के मान लिया है, मान करके चल रहा है, वही पढ़ पाता है, नहीं तो छोड़ देगा व्याकरण, यह तो कर नहीं पाएगा ढंग से, उस समय के लिए उसको मुख्य मानना ही होता है, तभी वो लग पाएगा, और वो महत्ता जो है वो ठीक ही है अपने ढंग से। तो जो नाम को ब्रह्म ये कहकर के उपासना करता है, ये सबसे बड़ा है और इसके बिना कुछ नहीं होगा, यही सब कुछ है, इस भाषा को, इस भाषा में जो भावना रखता है, ये समझ करके जो करता है, तो यावन नामनो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। तो जहां तक नाम की गति है, जहां तक नाम पहुंचा हुआ है, जहां तक इसकी पहुंच है, वहां पर इसका यानी जिसने ये पढ़ा है उसका यथा कामचारो भवति, जैसा वो चाहता है वैसा वो कर लेता है, वहां कोई बाधा नहीं आती उसको, उतने क्षेत्र में तो कामचार हो जाता है, यथा कामचार मतलब वो स्वतंत्र हो गया, स्वच्छंद हो गया है, अपने नियंत्रण में है, उसको परतंत्र नहीं रहना पड़ता है, इससे पूछा उससे पूछा, जहां तक शब्दों की गति है वहां तक वो पारंगत हो जाता है उसमें, ये तो उपलब्धि है, नहीं तो अटकते रहेंगे इसमें। जिसने नाम को नहीं पढ़ा है और वैसे ही अध्यात्म विद्या पढ़ रखी है या कुछ और चीजें, अब जब उसको कुछ जानना होता है, प्राचीन ऋषि कैसे थे, वो क्या सोचते थे, उनका क्या सिद्धांत है, वो दर्शनों में आएगा, वो उपनिषद में आएगा, तो शब्द फिर अड़चन आएगी, वो उसका वहां कामचार नहीं हो सकता, यथा कामचार नहीं हो सकता, जैसा चाहे कि मैं अब कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, ये कर लूंगा, जैसे चाहे देख लूंगा, नहीं कर पाएगा, पदे पदे वो अटकेगा, पदे पदे वो रुकेगा, दिक्कत आएगी उसको, और फिर वो चलेगा अध्यात्म में, कुछ सुना है जैसा उसके अनुसार चलता रहेगा, उसमें कुछ गलत है तो गलत ही रह जाएगा उसका, वो संशोधन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जिनको सुना है उन्हीं को ठीक मान करके चल रहा है, वही उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि उनका तो स्रोत ही वही है, और कोई है ही नहीं, ऋषियों से तुलना हुई नहीं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ नहीं सकता वो सीधे सीधे, अन्यों के जो भाष्य हैं उन्हीं को पढ़ता रहेगा, अटक जाएगा वहीं का वहीं, और कुछ नहीं मिलेगा, जिनसे सुना था वो अब नहीं रहे तो अपनी कल्पना में जाएगा, कुछ कुछ भी जो भी जाएगा, और अगर नाम पता है तो यहां तो यथा कामचार रहेगा उसका, जहां चाहेगा वहां उन ग्रंथों को शास्त्रों को पढ़ सकता है, ठीक संगति लगा सकता है, अब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा होता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको अड़चन नहीं लगेगी इसमें। तो तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते, जिसने नाम को ब्रह्म की तरह उपासना किया है, ये सबसे बड़ा है और सबसे मुख्य है, वो अव्याहत गति से शब्द से संबंधित तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो पूछता है फिर, क्योंकि तो नारद ने ये नाम तो कर लिया था, उसने कहा ये तो सब कुछ नाम है, तो मतलब वो तो पढ़ के आया ही था, तो बोले कि फिर भी शोक तो नहीं गया है मेरा, तो बोले अस्ति भगवो नाम नो भूया इति, प्रश्न कर रहा है क्या नाम से बढ़कर के भी कुछ है, शब्द से बढ़कर के भी कुछ है,
तो उत्तर देता है सनत कुमार, नामनो वाव भूयो अस्ति इति, हाँ नाम से बढ़कर के भी कुछ है। तो नारद जी पूछते हैं फिर तन्मे भगवान ब्रवीत हुई तो, हे सनत कुमार जी बताओ मेरे को फिर, बस इसीलिए आया हूं मैं कि एक सीढ़ी तो मैंने पूरी कर ली है, कितने साल लगे होंगे ये सब करने में। तो उसको बताते हैं कि नाम से बढ़कर के भी क्या है। देखिए दूसरा खंड, वाक वावा नामनो भूयसी, नाम से बढ़कर के वाक है। वाक किसे कहते हैं? वाकवाणी को बोलते हैं, मोटा अर्थ तो यही है। तो नाम बड़े या वाक बड़ी? नाम बड़े या वाक बड़ी? वाक बड़ी है, वाणी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि बिना वाणी के वाक, बिना वाणी के, बिना वाक के नाम कैसे लिया जाएगा? उसका आधार ही वही है। ठीक है, एक अर्थ है, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वाणी ही मुख्य है, क्योंकि बिना वाणी के नाम नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। सर नाम पहले या वाणी पहले? नाम पहले या वाणी पहले? अब यूं देखने लगे तो बिना नाम के वाणी क्या है? अगर नाम नहीं है, शब्द नहीं है, तो वाणी बोलेगी क्या? कैसी वाक कहलाएगी? वो अव्यक्त वाक होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे खटपट और ये सब पशु पक्षी है, जो भी कुछ हो इधर उधर की, वैसे ही जो बोलते रहते हैं संकेत मात्र, मानवों की भाषा तो नहीं हो पाएगी, देवों की भाषा तो नहीं हो सकती। तो नाम बड़ा या वाक बड़ी? बिना नाम के वाक नहीं है, बिना नाम के कोई वाक रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। बिना वाणी के, बिना वाणी के नाम तो रह सकता है, लिखा हुआ लिखा हुआ तो रहता ही है, वो भी तो हमारा बड़ा व्यवहार है। हम कितना पढ़ते हैं, हमेशा बोल के ही थोड़ा ना पढ़ते हैं, सुनकर के ही थोड़ा ना सीखते हैं, लिखा हुआ भी बहुत अधिक पढ़ते हैं हम, और कोई कोई तो वही पढ़ता रहता है। तो वाणी का मतलब यहां ये बोलने वाली जो वाक है ये नहीं है, केवल जो वाणी जो होती है ना, इसके अतिरिक्त यहां क्या लेना है हमारे को? भाषा, अर्थ, उसका शब्द का जो अर्थ है, तात्पर्य है, भाव, वो बात है। यहां जो वाणी का मतलब क्या लेंगे? जो शब्दार्थ है, शब्द का जो अर्थ है, या तो वाक्य है, वाक मतलब वाक्य है, दूसरे शब्दों में कहें कि जो उसका तात्पर्य है, भाषा है, वो यहां पर गृहित है। क्योंकि नाम तो सब कुछ आ ही चुका था, और मान लो वाणी इसको हम कहें, तो वाणी भी अगर बोल रही है तो केवल नाम नाम बोल रही है, तो क्या हुआ? भी नाम लिखे हुए हैं, नाम को कोई बोल रहा है, उससे क्या होगा? ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और इन सब शास्त्रों को पढ़ करके आए नारद जी, क्या इन्होंने वाणी से प्रयोग नहीं किया? इनका नहीं किया होगा ना, सब बोले होंगे, गुरु ने बोल के बताया होगा, इन्होंने बोला होगा, सुना होगा, ये सब कितनी आवृत्ति की होगी, तो वाणी का तो प्रयोग किया होगा। तो वहां जो नाम है उसके साथ क्या वाणी नहीं होगी? इन्होंने जो पढ़ाई की है, इस वाणी को अगर हम अर्थ लेते हैं तो थी वहां पर भी, अवश्य थी। इसलिए यहां वाणी का मतलब भाषा, शब्दों का अर्थ, जो तात्पर्य है वो लेना चाहिए। तो बोले वाग्वा व नामनो भूयसी, इन शब्दों से बढ़कर के वो अर्थ है जो ये यहां कहा गया है, भाषा है, तात्पर्य है। क्यों? वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, वाणी ही ऋग्वेद को जनाती है। ऋग्वेद तो नाम है, उसको जनाती कौन है? वाणी जनाती है। अब यूं तो लिखावट भी जना देती है, ये लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में कौन जनाती है? उसके शब्दों के जो अर्थ हैं वो जब पता लगते हैं तो ऋग्वेद जाना जाता है। ये शब्दों को केवल देख लिया, मंत्रों को देख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, ये कोई वेद ऋग्वेद को जानना नहीं है। अब कोई ऋग्वेद की पुस्तक दिखा करके कहे कि देखो ये ऋग्वेद है, क्या है? ऋग्वेद है, चारों वेद दिखा दिए, वेद को जान लिया या नहीं? भई ये वेद है, ये पुस्तक है, इसको जान लिया या नहीं? प्रत्यक्ष हो गया है ना, वेद को जान लिया। और वेद को मतलब पुस्तक को जाना है केवल, उससे क्या होना है? इतना ही जाना है कि ये पुस्तक है,
अब उसको खोल करके मंत्रों को भी बता दिया, लो एक एक पन्ना पलट लो, ले लो सारे मंत्रों के चेहरे देख, चेहरे से आंखों से देख लो ये मंत्र है, उससे भी क्या जाना जाता है? वेद कैसे जाना जाएगा? वेद तो अर्थ से ही जाना जाएगा, अर्थ तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं है। तो कहा वाग वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, वाणी ही है ये, वाग ही है जो ऋग्वेद को जनाती है। यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वेद अथर्वणम चतुर्थम, बाकी तीनों वेदों का भी नाम ले लिया, इनको जनाती है ये वाणी ही, भाषा ही इन सबको जनाती है। अर्थ नहीं जाना है तो ये जाने नहीं गए हैं, इनका जो पढ़ना है वेदाध्ययन है वो एक प्राथमिक स्तर पे ही माना जाएगा, वो वेद का पढ़ना पढ़ना नहीं है वास्तव में, यही जनाती है, ये इससे श्रेष्ठ है। और यही बात बाकी सारी विद्याओं के लिए भी आई, सब कुछ को यही बताया। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद पित्रम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या भी फिर आ गई है, ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम नक्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्वदेवजन विद्याम, यहां तक वो सारी की सारी चीजें गिना दी। इन सबको कौन जनाती है? वाणी ही बताती है, भाषा ही बताती है, तात्पर्य बताता है। और दिवम च पृथ्वीम च, द्विलोक को और पृथ्वी लोक को भी कौन जनाता है? भाषा जनाती है, केवल शब्दों से नहीं, ये शब्द बता दिया ये द्विलोक है, ये हम उसको देख भी रहे हैं, देखने मात्र से इतना ज्ञान नहीं होता है, उसके साथ साथ दूसरे बताते हैं कि हाँ ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उससे फिर हमें पता लगता है। तो दिवम च पृथ्वीम च, द्विलोक को पृथ्वी को, वायुम च आकाशम च, वायु को भी आकाश को भी, आपश्च तेजश्च जल को तेज को अग्नि को, देवांश्च मनुष्याश्च देवों को और मनुष्यों को, इन सबको भी कौन बताती है? ये वाणी ही बताती है, भाषा ही बताती है इन सबको, कुछ तात्पर्यपूर्वक बताया जाएगा तो ही होगा, केवल नाम नहीं है, बोलने से बताया जाता है वो भी अर्थ घटेगा कि वो बोलते हैं तो बताते हैं, लेकिन केवल बोलने से नहीं होता है। अब दूसरी भाषा में कोई बोल रहा है तो हमें तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, वो बोलते हुए भी वहां जनाया नहीं जाएगा, ये चीजें दूसरी भाषा में बताते रहो किसी के भी बारे में कितना भी, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो वाक का मतलब, वाणी का मतलब यहां पर अर्थ सहित भाव है, वो वहां चीज बताई जा रही है, उससे जाना जाता है। देवांश च मनुष्यांश च पशुंश्च वयांसी च, पशुओं को पक्षियों को, तृण वनस्पति तिनकों को, वनस्पतियों को, सारे पेड़ पौधों को, श्वापदानी और जो हिंसक पशु हैं उनको, जंगली जो हैं, आकीट पतंग पिपीलिकम और कीड़े पतंग पिपीलिका तक जितने भी हैं सारे के सारे छोटे मोटे, उन सबको, सब जीवों को। तो जड़ वस्तुएं आ गई और चेतन जीव अव जंतु आ गए, उन सबको भी वाणी ही बताती है, नहीं तो जाना नहीं जाएगा, उसका अर्थ हमें आना चाहिए। आगे धर्मम च अधर्मम च, धर्म और अधर्म को भी ये वाणी ही बताती है, अर्थात नाम नहीं बता पाएगा, नाम के साथ में वाक जुड़ गई, तात्पर्य जुड़ गया तो धर्म अधर्म पता लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये अब ज्ञान हो रहा है, नाम से ज्ञान नहीं हो रहा था, ज्ञान तो अब हो रहा है, वाणी से हो रहा है। तो धर्मम च अधर्मम च, सत्यम च अनृतम च, सत्य और झूठ को भी वही बताते हैं, बताती है। साधु असाधु च, सही और गलत को वही बताती है। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च, हृदय को जानने वाला जो है, भावना को जो जानने वाला है उसको भी यही जानाती है, और जो भावना को नहीं जानता उसको भी यही जानाती है कि तुम नहीं जान रहे हो इसको। आगे कहते हैं यद्वै वांग न अभविष्यत, अगर ये वाणी नहीं होती, अगर ये वाणी नहीं होती, न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्, वाणी नहीं होती तो न धर्म बताया जा सकता था न अधर्म बताया जा सकता था, पता ही नहीं लगता उसका। न सत्यम न अनृतम, न सत्य न असत्य, न साधु न असाधु, न हृदयज्ञो न अहृदयज्ञो, वाग एव एतत् सर्वं विज्ञापयति, वाणी ही इन सबको जनाती है, वाणी ही सबको बता रही है। वाचम उपास्व इति, इसलिए अब उपदेश दिया कि वाणी की उपासना करो, वाणी की उपासना करो, ठीक है। वाणी की उपासना ये भी करने योग्य है, जैसे नाम की उपासना करने योग्य, जैसे वाणी की अर्थ की उपासना करनी है, ऐसे नाम की भी उपासना करनी है। अगर नाम ही नहीं पता है तो अर्थ कहां से आएगा, वो भी जरूरी है।
दोनों आवश्यक हैं, दो स्तर पे बात को रखा। तो वाचम उपास्व, वाणी की उपासना करो। अब वैसे निघंटु के अंदर नाम शब्द जो है, नाम ये वांग नामों में पढ़ा हुआ है, वांग नाम है, वाणी के जितने संज्ञाएं हैं उसमें नाम ये शब्द भी डाला हुआ है। अब लेकिन यहां नाम अलग पढ़ा हुआ है, वांग अलग है, तो दोनों को अलग अलग ढंग से लेना है। यहां पर वहां किसी संदर्भ में नाम शब्द से वाणी मात्र का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि शब्द है तो भाषा और वाणी सब आ गया उसमें, क्योंकि वाणी शब्दमयी होती है, नाममयी होती है, तो इसलिए उस तरह वहां कथन किया जा सकता है। लेकिन यहां दोनों को अलग अलग करके लिखा है, शब्द और उसका अर्थ। अब पीछे जो शैली में कहा था उसी शैली में इसके लाभ बता रहे हैं। स यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते, जिस वाणी को ब्रह्म के रूप में उपासना करता है कि जो शब्दों का अर्थ है यही सब कुछ है, इसी को मुझे जानना है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ा है। अर्थात पहले नाम को बड़ा मान रहा था, नाम को मान करके चल रहा था, अब नाम नहीं वाक को बड़ा मान करके चल रहा है, यही सब कुछ है, इसके बिना नहीं बनेगी बात। तो यावद वाचो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति, जहां तक वाणी की गति है वहां तक ये स्वेच्छा से कहीं भी कैसे भी चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सब परिचित हो जाता है। यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते, तो नारद जी ने फिर पूछा सनत कुमार जी से, अस्ति भगवो वाचो भूया इति, इस वाणी से बढ़कर के भी कुछ है क्या? वाणी से बढ़ के क्या होगा? जब हमने अर्थ जान लिया है तो शब्द भी जान लिया और अर्थ भी जान लिया, अब क्या बचा है? शब्द का अर्थ भी जान लिया, इस शब्द का ये अर्थ, अब क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन बोले नहीं, कुछ और भी है। बोले बोले वाचो वाव भूयो अस्ति, इस वाणी से भी बढ़कर के कुछ है, क्या है? तो वो बोल रहा है, तन्मे भगवान ब्रवीत हुई थी, भगवान मेरे को बताओ फिर उसको, मेरे को तो जानना है वही, क्योंकि इतने से भी मेरा शोक तो पूरा दूर नहीं होगा। शब्दार्थ जान लिया तो भी शोक तो पूरा दूर नहीं होगा, बढ़कर इससे बढ़कर के क्या है? तो तीसरे खंड के अंदर बात रखी इन्होंने। सनत कुमार जी बोलते हैं, मनोवाव वाचो भूय, मन वाणी से भी बढ़ाए। तो नाम वाक और अब आ गया मन। अब यह मन का मतलब है मनन, मन से हम क्या करते हैं, मन उसका अधिकरण है, मन के माध्यम से क्या करते हैं, मनन करते हैं। शब्दों का अर्थ जान लिया, इतने से नहीं होने वाला है, मनन भी आवश्यक है, वो उससे बड़ा है। तो यथा वही द्वे आमल के द्वे वाकोले दो व अक्षो मुष्टि अनुभवती, बोले जैसे हमारी मुट्ठी में दो चीजें रखी हुई हों, कौन सी? दो आंवले हों, दो बेर हों, या दो बहेड़ा हो, बहेड़े को अक्ष बोलते हैं, दो दो हों तो अनुभव में आएगा ना कि यहां दो है मेरे हाथ में। बोले ऐसे ही एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवती, मन वाणी और नाम दोनों को अनुभव करता है। नाम तो हो गया शब्द और वाणी हो गई शब्दार्थ, उस शब्द का क्या अर्थ है, इन दोनों का अनुभव मन करता है। ये शब्द है और ये इस शब्द का अर्थ है, ये वाक्य है ये इस वाक्य का अर्थ है, ये मंत्र है इस मंत्र का ये अर्थ है, इसकी अनुभूति इसका ज्ञान मन को होता है, मन के माध्यम से होता है। बाहर तो केवल शब्द ही शब्द थे, नाम ही नाम था, मन मन तक पहुंचने से पहले क्या था? केवल शब्द शब्द ही था, शब्द शब्द के संकेत थे और कुछ नहीं था। लेकिन मन में जाने के बाद में अब मन जान रहा है कि ये शब्द है और वहीं पर फिर अर्थ भी आ जाएगा, जो शब्द का अर्थ के साथ संकेत उसने बना रखा है सीखा है वो उसके साथ में आ जाएगा। तो जानता है कि ये मन है, ये मन जानता है कि ये शब्द है और ये अर्थ है, ये नाम है और ये वाक है। अब मन के अंदर कौन सी वाक होगी? हम अगर वाणी का मतलब ये बोलना ही लें तो मन के अंदर ये दोनों हैं, तो शब्द संकेत और उसका अर्थ ये दोनों मन के अंदर हैं और मन उसको जानता है। तो एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवती, तो स यदा मनसा मनस्यति, अब जब वो मन से मनन करता है, मन के माध्यम से मनन करता है, मंत्रान अधीय इति अथ अधीते, जब वो मन में ये संकल्प करता है, विचार करता है कि मंत्रों को पढ़ो, तो मंत्रों को पढ़ लेता है। ये जो नाम भी आया है कैसे आया है? बिना इसके नहीं आएगा, उसको आया कि मैं पढ़ूं इसको, तभी तो पढ़ाया उसने,
जो याद भी किया है, नाम भी किया है या वाक का भी प्रयोग किया है, वो कैसे पहले मन में आया कि मैं ऐसा करूं तो उसने किया है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो पहले तो ये अध्ययन का कहा अधीते, उसका कर्माणि कुर्वी है इति यथा कुरुते, मैं कर्मों को करूं, ये कहां मनन होगा पहले, मन के अंदर होगा, पहले मनन जरूरी है, तब अथा कुरुते, अब वो करता है, कर्म करने लग जाता है। अर्थात ज्ञान के पहले भी ये था मनन और क्रिया के पहले भी ये है। और उदाहरण दे रहे हैं, पुत्रांश पशुंश्च इच्छे या इति अथा इच्छते, मैं पुत्रों को और पशुओं को चाहूं, मैं संतानें चाहूं, मेरे को संतान होनी चाहिए, मेरे पशु पक्षी होने चाहिए, धन धान्य होना चाहिए, सब चीजें जो है संपत्ति हैं, तो फिर उसकी इच्छा करने लग जाता है, प्राप्त भी करता है। इमम च लोकम अमुम च इच्छे, इस लोक को और उस लोक को भी चाहूं, मेरा ये लोक भी सुधर जाए और वो लोक भी, परलोक भी सुधरे, यह लोक भी और परलोक भी, अभ्युदय भी और निश्रेयस भी, उसकी इच्छा है कि दोनों सुधरे मेरे, एक ही नहीं। अथा इच्छते, तो इच्छा करता है। फिर आगे कहते हैं मनो ही आत्मा, ये मन ही आत्मा है, मनो ही लोको, मन ही लोक है, मनो ही ब्रह्म, मन ही ब्रह्म, मन उपास्व इति, मन की उपासना कर, जैसे यही ब्रह्म है, यही सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। तो पहले शब्दार्थ बहुत बड़ा लग रहा था, अब ये मनन सबसे बड़ा लगने लग गया है, वो भी एक स्थिति। तो देखो मन को क्या क्या, मनो ही आत्मा। अब इस पंक्ति को उठा ले कोई यहां से कि देखो उपनिषद के अंदर कहा है कि मन ही आत्मा है, यह आत्मा अलग से तत्व नहीं है, चेतन तत्व नहीं है, मन ही है बस, मनो ही आत्मा, मनो ही लोको, ये सारा संसार मन ही है, मन का खेल है, बाकी क्या है, संसार है, जिसका जैसा मन वैसा उसका संसार, सबके अपने मन के अपने अपने संसार है, वैसा ही संसार है उसको, तो वो कह सकते हैं नहीं। आगे लिखा है मनो ही ब्रह्म, तो कि मन ब्रह्म मतलब मन ही सबसे बड़ा है, ब्रह्म अलग से कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी बातें यहां से निकाली जा सकती हैं, कोई बोल सकता है, लेकिन यह तात्पर्य क्या है कि मन है ये सतत गतिशील है, कर रहा है, यह आत्मा शब्द का मतलब यह है, मन ही ये लोक है, ये जो सारा दिखाई दे रहा है ये मन के अंदर से ही तो दिखाई दे रहा है, बाहर भी है, निषेध नहीं है, लेकिन हमारी की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है, जैसी हमारी अंदर की दृष्टि होती है वैसा ही सामने दिखने लग जाता है, बहुत कुछ इस पर भी आधारित है, अपने आप में वो अपना स्वरूप रखते हुए भी वस्तु क्रिया, लेकिन हमारी दृष्टि जैसी हो जाती है हम वैसा ही देखने लगते हैं उसको, व्यक्ति को या वस्तु को, और मन ही सबसे बड़ा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। एक मन के बारे में गीत है, तेरा मन दर्पण कहलाए, उसमें बीच में आता है मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, और भी है कुछ उसमें, मन से बड़ा ना कोई, वो मन है, तो ये तो क्या, मनो ही आत्मा, मनो ही लोको, मनो ही ब्रह्म, वही बात है, कवि के मुंह से निकली है, या तो इसको पढ़ के निकली होगी, नहीं तो वैसे भी होगी, यहां भी कवि के मन से निकली है, तो उसका भाव क्या है, क्या उनका मतलब ये है कि मन ही देवता, यानी मन और कोई देवता ही नहीं है, मन ही अकेला देवता है, वहां उस पंक्ति का अर्थ लेते हैं ये कभी हम, मन ही ईश्वर, बस मन ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है दुनिया में, ऐसा है क्या, वो जिस कवि ने ये कविता लिखी है वो ईश्वर को भी मानता होगा, अन्य कविताएं होंगी जिसका इसको गाया है जिसने, लता मंगेशकर ने, वो और भी भजन गाती हैं, दूसरे भी गाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि मन ही ईश्वर है, तो यहां तो हम समझ लेते हैं, यहां हमारे को कोई अड़चन नहीं आती इस गीत को सुनते हुए कि ये क्या मानता होगा लेखक, ऐसे यहां पर भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां हम उसको शब्दों को जूका तो पकड़ते हैं, वहां हम भाषा और तात्पर्य को साथ में रखते हैं तो कोई अड़चन नहीं आती है, यहां हम केवल शब्द को पकड़ते हैं तो अड़चन आएगी, यहां भी उसी तरह भाषा भाव तात्पर्य को समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मन सबसे बड़ा है, यहां पर वो मन को सबसे बड़ा ही मान के चल रहा है, जैसे पीछे नाम को ब्रह्म की तरह उपासना कर रहा था, फिर वाक को ब्रह्म की तरह उपासना कर रहा था, तो यहां भी देखिए दूसरे उसमें क्या लिखा, स यो मनो ब्रह्म इति उपासते, जो मन को ही सबसे बड़ा मान करके चलता है, और दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं बहुत, बस मन की ही साधना, मन को साध लिया तो सब सत गया,
पूरी उनकी साधना देखी है, सारे उनके प्रवचन देखी है, पुस्तकें देखी है, मन पे केंद्रित है। बस मन को शुद्ध कर लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनन करो, विचार करो, उसके बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ मन के ऊपर केंद्रित करके वो बात को रखते हैं, उसको बहुत बढ़ाते हैं, अपनी जगह उतना लाभ लेते ही हैं वो, उसकी महत्ता थी। जैसे नाम को कोई बहुत बड़ा मानता है, कोई वाक को बड़ा मानता है, और कोई मन को भी बड़ा मानता है। अब संसार के अंदर बहुत से बोलते हैं ना आजकल की, कलयुग में तो नाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो बस नाम का ही आधार है और कुछ नहीं है। तो करना क्या है हमारे को, आधार तो चाहिए, तो नाम का जप करो, नाम का सुमिरन करो। वो नाम दे देते हैं, बस नाम को बोलते रहते हैं, नाम के आधार पर ही सारी नैया तर जाएगी। अब ये नाम को ब्रह्म मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, सबसे बड़ा मान रहे हैं नहीं मान रहे, सब शोकों से हटाने वाला और सब कुछ मान रहे हैं नहीं मान रहे। तो नाम से बढ़ा वाक और वाक से बढ़ा हुआ मन है। तो सयो मनो ब्रह्म इति उपास्ते, यावन मनसो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। पंक्तियां बाकी सब वैसी की वैसी हैं, जितना उसका मन की गति होती है उतना उतना उसका कामचार होता है, वहां वहां सब जगह अव्याहत गति से जाता है। जिसने मनन कर लिया है, जो मन को ब्रह्म की तरह उपासना करता है, तो नारद जी ने फिर वही पूछा सनत कुमार जी से, अस्थि भगवो मनसो भूया इति, ये मन से भी बढ़कर के कोई चीज है क्या, मेरे को तो शोक से दूर होना है, वो पूरी बात तक पहुंचाना है। कहा हाँ, मनसो वाव भूयो अस्ति, मन से भी बढ़ करके है। कहा तन्मे भगवान ब्रूही इति, मेरे को वही बताओ। तो आगे फिर बोलते मन से बड़ा क्या है, तो प्रथम प्रभाग में कहा संकल्पो वाव मनसो भूयान, ये संकल्प मन से भी बड़ा है। मन तो सबके पास में है, मन तो सबके पास में है, लेकिन सब तो ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच जाते, भेद क्या है, संकल्प का भेद है। जानने वाले भी बहुत सारे हैं, मन है और सब कुछ पढ़ा लिखा भी है, जानते भी हैं, लेकिन कोई बहुत आगे निकल गया और कोई पीछे रह जाता है, क्यों, संकल्प बहुत बड़ा होता है उनका। जिसका जितना संकल्प होता है वो और ऊंचा बढ़ जाता है। संकल्प नहीं है तो भी बात नहीं, तो मन से बड़ा संकल्प हो गया। तो संकल्पो वा व मनसो भूयान। आगे यदा वही संकल्पयते, क्योंकि अब आधार बता रहे हैं कि जब वो संकल्प करता है, अथ मनस्यति, तभी वो मनन कर पाता है। संकल्प होता है कि मैं संकल्प, मनन के लिए भी तो संकल्प करना पड़ता है कि मैं मनन करूं, संकल्प ही नहीं है तो वो मनन को भी नहीं जाएगा, मनन की इच्छा ही नहीं करेगी उसकी, सोचने की, बोले नहीं अभी नहीं रहने दो, वो मनन करना भी उसको बहुत बोझ लगता है, परेशान करता है। तो संकल्प, जब संकल्प करता है तभी मनन करता है, अथ वाचम ई रहती, और जब मनन कर लेता है तभी वाणी को प्रेरित करता है, बोल पाता है। ताम उ नामना ई रहती, नामनी ई रहती, ताम उ नामनी ई रहती, फिर उसको नाम में प्रेरित करता है बोलने के लिए, शब्द में। और नामनी मंत्रा एकम भवंती, और ये जो नाम है इसमें मंत्र एक ही एकम भवंती, एक हो जाते हैं, अनेक नामों को मिलकर के एक मंत्र बन जाता है। और मंत्रेषु कर्माणि, और जो मंत्र होते हैं तो उन अनेक मंत्रों से एक कर्म बन जाता है, अनेक कर्मों से एक कर्म बन जाता है।